अपने ग्राहक को मोटिवेटेड कैसे रखा जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने ग्राहकों को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्राहक मोटिवेटेड रहे, तो जब आप उनसे पहली बार मिले तो उन्हें अपने पिछले ग्राहकों के टेस्टिमोनियल या रिजल्ट स्टोरी सुनाएं। अगर आपके पास टेस्टिमोनियल नहीं है तो खुद की रिजल्ट स्टोरी बताएं। जब हमने शुरुआत की थी तब हमारे पास कोई रिजल्ट स्टोरीज नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तब ये बहुत कठिन था, हम बस भविष्य के बारे में बात करते थे कि ये कुछ इस तरह काम करेगा और आपका वजन कम हो जाएगा। यदि आज आपके पास अपना खुद का वेट लॉस रिजल्ट नहीं है, हो सकता है आपने ज्यादा वजन कम ना किया हो, या हो सकता है आपका वजन ज्यादा था ही नहीं, तब आप अन्य लोगों के रिजल्ट स्टोरी का उपयोग कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपना वजन कम किया। इस तरह आप अपने ग्राहक को मोटिवेटेड रख सकते हैं। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसे नोट डाउन कर लें। आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट स्टोरी सुनाते रहें जितना हो सके, ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे। हम बहुत से जर्नल्स प्रिंट करते रहते हैं ताकि आपके पास बताने के लिए अलग अलग स्टोरीज हों जिन्हें आप लोगों को बता सकें। नए नए रिजल्ट स्टोरी से लोगों को मोटिवेट रखना जरूरी है। हर महीने 4 रिजल्ट स्टोरी दिखाने से बेहतर है कि हर महीने 100 रिजल्ट स्टोरी बताएं। इसे नोट डाउन कर लें। फ्रेश स्टोरीज ही आपको एक्साइटेड रखती हैं, न केवल आपको बल्कि उनको भी। अब दूसरा सवाल, आप उन्हें एक्साइटेड कैसे रखें? यदि आप अभी भी आइडियल वेट पर नहीं है, ठीक है, हो सकता है आपको और वजन कम करने की जरूरत हो, लेकिन जब आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और स्टार्टिंग में ही 10 किलो वजन कम कर लिया, नो डाउट आप एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आप बहुत से लोगों की मदद करते हो, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपका वजन रुक गया है और कम नहीं हो रहा है, और आपको अभी भी 25 किलो वजन कम करना है। अब आपके कस्टमर्स आपको छोड़कर वापस जा रहे हो और आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि ये काम करेगा, इससे आपका वजन घटेगा। अपने वजन में बदलाव करते रहे, नहीं तो आप महीने दर महीने अपने ग्राहकों को मोटिवेटेड नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप उनको जो बता रहे हैं उसमें वास्तविकता नहीं है, क्योंकि आपका वजन रुक गया है। इसलिए यदि आप अपने ग्राहकों को एक्साइटेड रखना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको अपने वेट, लुक, फेस और हेल्थ की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि आप जो होते हैं वही आप बताते हैं और लोग उसी में विश्वास करते हैं, ठीक है। और मैं आप पर इतना दबाव नहीं डालना चाहता कि आप एक हफ्ते में ही अपना वजन कम कर लें। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस हफ्ते ही आपको कुछ करना है, बस थोड़ा सा प्रोग्रेस करना है, 1 पाउंड 2 पाउंड, अगले हफ्ते फिर 1 पाउंड 2 पाउंड। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप में से किसी को भी प्रोडक्ट सेल करने में कोई भी समस्याएं आ रही है तो आप बस अपना वजन कम कीजिए, बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी। और मैं इस मामले में सीरियस हूं। कभी कभी हम अपने आप से झूठ बोलते हैं कि हमारे साथ चीजें इसीलिए सही नहीं हो रही हैं। अपने आप को एक्साइटेड रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपना वजन कम करते हैं तो आप एक्साइटेड रहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको साहस मिलता है, और यही आत्मविश्वास और साहस और आपका प्रोडक्ट के प्रति फीलिंग वही लोगों को प्रभावित करता है। प्रोडक्ट्स के बारे में आप क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण है कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और लोग देखते हैं कि आपकी आंखों में क्या है। यही समय होता है जब आपकी आवाज आपके दिल से निकलती है, तब लोग आप पर बिलीव करते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने रिजल्ट के बारे में एक्साइटेड होना होगा, यही अन्य लोगों को एक्साइट करेगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उनको दिखना चाहिए। यदि आप बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ आप एक दिन में सीख जाएं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे नोट कर लें। आपको हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करनी होगी ताकि आप एक्साइटेड रह सके। ऐसे ही हर्बल लाइफ के वीडियोस हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।